Hello students, good morning to all of you. So this is the next part of motion chapter, and in this part we will come to know about uniform circular motion. As already I have told earlier that this is the last topic, and after this the motion chapter will be finished, then we will start the new chapter. Okay, so you should understand uniform circular motion. Before this, I would like to tell you or make you understand circular motion. What is circular motion? Okay. Actually, its name only, the name only is clear. Circular motion means सर्कुलर, द मोशन विच इज इन सर्कुलर पाथ, है ना। कोई भी मोशन अगर वो सर्कुलर पाथ में हो रहा है, सर्कल का जैसा पाथ है उसमें अगर कोई मोशन हो रहा है, तो दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन, इजंट इट। मींस द मोशन इन द मोशन विच इज इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, इजंट इट। वैसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो रहा हो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये डेफिनेशन यू कैन राइट इट। अब हम आते हैं कि मेन जो है हमारे क्लास 9th का टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी वगैरह जो है वो हायर क्लासेस में है, मींस क्लास 11 पढ़ना पड़ेगा तुमको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में है, ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। आगे चल के ये काफी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पहले से हम नहीं डरा रहे हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इजंट इट। मान के चलो ये नाम तो बहुत आसानी से लग रहा है देखने में, इसका डेफिनेशन भी लिखा देंगे। डेफिनेशन लिखाने से पहले समझाते हैं कुछ मोशन के बारे में। अगर मान के चलो दिस वन, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पाथ, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, और रेक्टेंगुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, दिस इज बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है। तो रेक्टेंगुलर पाथ में जब कोई मोशन करेगा तो हर पॉइंट पे, यहां से ये पॉइंट, जब वो ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब मूव करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही वो टर्न करेगा सी के तरफ तो यहां पर एक डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा इस पॉइंट में, और इस पॉइंट में जब पहुंचेगा फिर से डायरेक्शन बदलाव होगा, इस पॉइंट में फिर से डायरेक्शन बदलाव आएगा, और फाइनली इस पॉइंट में जब वो पहुंचेगा तो फिर से एक बदलाव आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम ये बता दें कि वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी क्या बताया जा रहा था, वेलोसिटी बता रहे थे कि द रेट ऑफ, दैट मींस वेलोसिटी मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और द स्पीड प्लस डायरेक्शन। याद करो, स्पीड प्लस डायरेक्शन ये दोनों होता था उसमें, है ना। तो चूंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन बता चुके हैं, इसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहा है, मगर इतना जान के रखो वेलोसिटी जहां बताए थे वहां पे हम बताए हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन, इज इट, स्पीड प्लस डायरेक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था, एक्सीलरेशन होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन जो है वो तभी होगा कोई ऑब्जेक्ट जब एक्सीलरेट कब करेगा, एक्सीलरेट कब करेगा जब उसमें वेलोसिटी में जो है वो बदलाव होगा टाइम के साथ साथ, तो वो एक्सीलरेट कर रहा है। अब यहां से समझो कि वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, क्लियर है यहां तक। तो अगर वेलोसिटी में बदलाव हुआ समय के साथ साथ तो उसमें एक्सीलरेशन होगा,
लेकिन वो वेलोसिटी में बदलाव किस किस प्रकार से हो सकता है ये हम बताए हुए हैं, कौन कौन फैक्टर पर वेलोसिटी चेंज होता है। तो हम बताए हुए थे कि वेलोसिटी जो होगा वो या तो उसमें स्पीड चेंज कर दो, मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बना हुआ इससे है। दूसरा क्या था, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी में अंतर पड़ जाएगा, और वेलोसिटी में अंतर पड़ा तो एक्सीलरेशन होगा, क्लियर है। या तो फिर दोनों में स्पीड भी प्लस डायरेक्शन ये दोनों में भी अगर चेंज हुआ तो अल्टीमेटली वो चेंज वेलोसिटी में होगा, और वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन होगा 100%। इज इट क्लियर? तो अब यहां से एक चीज तो समझ में आया होगा कि वेलोसिटी में बदलाव जो होगा, या तो स्पीड से हो सकता था, उसका स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसे 30 कर रहे बढ़ा करके या 40 कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन बदलोगे, मान के चलो डायरेक्शन जब चेंज कर रहे हो तो डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रहे हो, तो उस केस में भी वेलोसिटी में अंतर पड़ेगा और एज अ रिजल्ट एक्सीलरेट होगा, क्लियर है, बॉडी एक्सीलरेट होगा। अब यहां पे आते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा था तो यहां पर वो डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ उसका, और जब डायरेक्शन में बदलाव हुआ इसका मतलब हो गया कि यहां पर वेलोसिटी में चेंज हो गया, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो यहां पर एक्सीलरेशन हो जाएगा, बॉडी एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी चेंज हो गया, फिर इस पॉइंट पर पहुंचे यहां पर भी एक्सीलरेट करेगा, यहां पर पहुंचे यहां पर भी एक्सीलरेट करेगा बॉडी। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसमें कितने बार एक्सीलरेशन हो रहा है, कितने बार एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4 टाइम्स में, क्लियर है। अगर हम इसी में से अगर पेंटागन कर दें या हेक्सागन के अंदर एक ऐसा पाथ है ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्सागोनल पाथ हुआ, तो अगर हेक्सागोनल पाथ हुआ तो इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा तो इस पॉइंट पर पहुंचे तो डायरेक्शन में चेंज होगा उसका, और डायरेक्शन में जब बदलाव होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, डायरेक्शन में चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज होगा विद एक्सीलरेशन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह बार वो बॉडी एक्सीलरेट करेगा क्योंकि छह बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ऑक्टागन करेंगे तो 8 बार। अगर एक ऐसा फिगर बना दे जो कि 100 साइड्स का होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर हेक्सागन जिस तरह ड्रॉ कर रहे थे उस तरह से, अगर हम एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाए जिसमें कि सारा साइड जो है वो तुम्हारा टोटल 100 साइड होगा, तो कितना बार बॉडी एक्सेलरेट करेगा, 100 टाइम्स, बस समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से इस फिगर से यहाँ पर आया दूसरा फिगर, मान के चलो ऑक्टागन बना लिए, और इस तरह करते करते कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम इस मोशन में करते करते अगर बार बार, अगर बहुत ज्यादा बार उसमें अगर ज्यादा साइड होगा, इस सर्कल में कितना साइड होगा अगर इस तरह से छोटे छोटे साइड माने जाए तो इनफाइनाइट साइड, ठीक है, इनफाइनाइट साइड्स होगा इसमें, और इनफाइनाइट साइड्स में होगा तो कितना बार बॉडी एक्सेलरेट करेगा बताओ, तो इनफाइनाइट टाइम्स करेगा, बहुत बार करेगा, तो जितना बार बॉडी में डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तो जितना बार डायरेक्शन चेंज करेगा उतना बार वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा विद बॉडी जो है उतना बार एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसमें एक्सीलरेशन जो है वो होता जाएगा, इसीलिए उसको बोलेंगे बॉडी इज इन एक्सीलरेशन। बॉडी जब सर्कुलर पाथ में करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बात कर रहे हैं, व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट रेगुलरली और इट विल हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहां पर एक्सीलरेशन होगा क्योंकि हर बार जो है वो चेंज होता रहेगा, क्लियर है। तो
जब एक्सेलरेशन होगा मींस बॉडी एक्सेलरेट करेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी है तो उस वो बॉडी इज सेड टू बी, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक और चीज पॉइंट मींस गौर करो, मान के चलो कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लीनियर मोशन हो गया, लीनियर मोशन। जब ये लीनियर मोशन कर रहा है तो लीनियर मोशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो स्पीड कॉन्स्टेंट हुआ तो, स्पीड अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या इसे बोलेंगे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लीनियर मोशन केस में, इन द केस ऑफ लीनियर मोशन द ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेट इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, इजंट इट। तो अब जो अगर यहां बात करें सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो हम बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है, लेकिन वो जब स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मींस एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ द बॉडी इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ और मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट speed, and in case of uniform circular motion the body is said to be in acceleration। clear है? ये सारा point को note down कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक चीज और बता दें कि जैसे हम बता रहे थे linear के बारे में, linear case में, linear motion के case में body जब straight line move कर रही है, straight line में, तो इसमें किसी भी प्रकार का acceleration नहीं हो रहा है। मगर ये जब चेंज कर रहा है, जैसे तुम एक बात सोचो, तुम इस तरह स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे या रनिंग कर रहे थे, जब वो कोई देखो एथलेट्स प्लेयर जो जो है वो घूमता है मींस दौड़ता है सर्कुलर पाथ, तो तुम्हें मान के चलो तुम इधर से दौड़ रहे हो, अब जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है इधर मुड़ना है तो तुमको एक फोर्स जरूरत पड़ रहा है, तो जिस फोर्स से तुम इधर मूव कर, अगर मान के चलो ये मार्कर है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, जब ये मार्कर इस प्रकार से मूव कर रहा है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में आ जाए तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। देखो तो इधर जा रहा है, ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तुम भी मान लो इधर दौड़ रहे थे, जब वो लेफ्ट साइड में टर्न लेना होता है तो एक फोर्स अप्लाई करते हैं अपने बॉडी के ऊपर जिसके वजह से वो चेंज कर देता है, दौड़ते दौड़ते क्या करते हम फोर्स अप्लाई करके फिर वो क्या करते हैं टर्न लेते हैं, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई फोर्स। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कह सकते हैं कि जितने पॉइंट पर वो डायरेक्शन बदल रहा था फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन, स्टार मार्क करके उसको भी लिख लोगे, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एनी बॉडी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, कोई बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वो फोर्स जिसको यहां से जैसे वो डायरेक्शन चेंज करे फोर्स अप्लाई करेगा तब वो डायरेक्शन बदलेगा, है ना, तो फोर्स इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इफ एनी बॉडी, इफ यू वांट दैट एवरी बॉडी शुड बी इन एक्सेलरेटिंग और इन एक्सेलरेशन वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, इजंट इट, चाहे वो फोर्स बॉडी अप्लाई क्यों ना करे जो आप बॉडी मोशन कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में इस जगह में सभी जगह में जो है क्या हो रहा है कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस फोर्स के वजह से वो डायरेक्शन चेंज करता है और वो डायरेक्शन चेंज करने से हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। एक बात और समझो कि मान के चलो कि हमको पता करना है कोई एक पॉइंट पे, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दिस पॉइंट इज सी, कोई भी एक पॉइंट पर अगर हम जानना चाहते हैं कि वो बॉडी जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या करना होगा,
अभी जो बॉडी इस इधर मूव कर रहा था, तो इस जगह पर अगर चाहिए खास डायरेक्शन तो डेफिनेटली यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट, टेंजेंट जानते होगे, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा हो, दैट इज नेस टेंजेंट। इस पॉइंट पर इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पर इधर करेगा, क्योंकि ये याद रखोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है कि नहीं। तो वेलोसिटी के मींस मोशन जो हो रहा है वो इस सर्कुलर मोशन में हो रहा है, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन है वो इधर ही कर रहा है। मींस डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बॉडी इस प्रकार से मूव कर रहा है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करे तो मोशन का डायरेक्शन इस प्रकार हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां भी जान लो, if you want to know the direction at any point in the circular path, we have to draw a tangent, and the tangent will give the direction of that particular object at that particular point. किसी भी खास point पर, जैसे इस point पर direction इधर था, इस point पर direction इधर है, इस point पर direction इधर है, तो क्या कोई खास direction हो रहा है circular path में? नहीं, हर बार direction change हो रहा है, और चूंकि direction हर बार change हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज जानना है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक एग्जांपल डायरेक्शन के तौर पर अगर देखा जाए, तो एक एग्जांपल हम लेंगे, मान के चलो कि ये कोई सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। ठीक है, रेडियस इज आर, सर्कुलर पाथ में ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी भी मान लेते हैं यहीं पर है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सर्कुलर पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ में जब वो मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस केस में इसका कितना टाइम पीरियड लग रहा है वो समझना है। मतलब एक कंप्लीट सर्कल का पाथ को कवर करने में उस ऑब्जेक्ट को कितना समय लग रहा है अगर हम निकालना चाहें, तो टाइम पीरियड या टाइम विल बी इज इक्वल टू क्या होता है, बताते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अच्छा, सर्कल पाथ में है तो बताओ ये जो यहां से मूव करता हुआ जो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ मतलब सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन ये स्पीड यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, और इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी तो वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर बाय टी, है कि नहीं। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर चाहिए सर्कुलर पाथ में, तो वी विल यूज दिस फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर अपॉन टी, क्योंकि हर जगह ये एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर जो है एक फार्मूला है जो क्लास 11 में पढ़ोगे तुम लोग, इसको भी नोट करके रख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी के रूप में होता है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर कहते हैं। ये वाला अभी जरूरत नहीं है तुम का, लेकिन नोट डाउन करके रख सकते हो, कभी-कभी ऑब्जेक्ट की टाइम थोड़ा सा दे देता है कि फार्मूला क्या, और कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकता इसमें। तो यहां पर सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी 2 पाई आर बाय टी हो गया और टाइम पीरियड जो है वो इस प्रकार से हो। अब एक बात और समझो, अगर मान के चलते हैं कि हम डायरेक्शन को पता करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली, एक्टिविटी का डायरेक्शन पता करना है, तो तुम क्या करो, थ्रेड में एक रस्सी में एक पत्थर को बांध दो, ठीक है, एक धागा ले लो इतना बड़ा, उसे पत्थर को बांध दो और उसको इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली तुम अगर ऊपर में ही इस प्रकार से तुम मोशन करा रहे हो, मींस मूव करा रहे हो, ठीक है, तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, सर्कुलर पाथ में बनेगा इस प्रकार से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कर रहा है इधर से, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से मोशन ज्यादा चल रहा है, तो जब इस प्रकार से मूव कर रहा है तो जब कोई भी पॉइंट में ला करके, कोई भी पॉइंट में ला करके जो है मूव करते करते हम छोड़ेंगे,
अगर इधर मूव करें थे और अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट जो पत्थर से बांधा हुआ रहेगा, जो पत्थर से धागा, वो इधर के डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर लाकर के इस तरह से छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो इधर जाएगा। तो इसी तरह से क्या कहते हैं कि टेंजेंट को ड्रॉ करते हुए हम लोग डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हो रहा था, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, इसका डेफिनेशन भी बता दिए हैं। वैसा मोशन जिसमें की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बॉडी जो है वो एक्सीलरेट कर रहा होगा। तो ये जो है इस पे एक न्यूमेरिकल दे देंगे हम बनाने के लिए, तो अच्छा होगा। और इसमें सारी चीज नोट कर लोगे। इसी के साथ जो तुम्हारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, मोशन चैप्टर फिनिश हो गया, बहुत ही खुशी की बात है। अभी एक न्यूमेरिकल देख के बनाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड है। और इसके बाद हम लोग विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें जो भी किसी को कन्फ्यूजन रहेगा वो पूछ सकते हो, या तो फिर हम लोग जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से उस समय बता देंगे। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहोगे इसमें, और जो स्पेशल टाइप न्यूमेरिकल आता है, चाहे स्पीड हो एवरेज स्पीड का, वो भी हम प्रैक्टिस कराएंगे जब समय मिलेगा तो। लेकिन नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो टुडेस क्लास इज ओवर। थैंक यू। क्वेश्चन अभी तुम लोग को हम लिख दे रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट वन मोर थिंग, जो सर्कुलर मोशन के बारे में बताए थे, वहां पर एक चीज तो जान के रखो कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, इसके एग्जांपल तो तुम सोच सकते हो, जरूर से सोच सकते हो ना, कि व्हाट इज व्हाट आर द राइट सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कुछ एग्जांपल लिखो, तुम बता सकते हो, चाहे वो अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस में, चाहे मून अर्थ की चारों तरफ घूम रही है, या एक एथलेटिक्स प्लेयर जब वो सर्कुलर ट्रैक में जब वो दौड़ता है। दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लोगे सर्कुलर मोशन का, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसके बाद एक चीज और जान लो कि हम लोग भी बताए थे क्या, कि अगर वो सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में कराने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी टू ट्रेवल इन सर्कुलर मोशन is known as centripetal force, isn't it? मतलब हम बताए थे जब भी वो सर्कुलर मोशन है कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें जो है वो एक पाथ जो ट्रेवल कर रहा है उसमें डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जहां जहां डायरेक्शन चेंज कर रहा है वहां एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। मींस, या फिर इसका दूसरा तरीका से बोल सकते हो, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये दो डेफिनेशन बताए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हो तुम, दोनों ही अच्छा है। मगर ये जानना है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा वह फोर्स जिससे जो कि जरूरत होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में पाथ में घुमाने के लिए, फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन तभी करता है जब वो एक कपल ऑफ फोर्स काम करता है। एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स जो अंदर की डायरेक्शन में काम करता है, सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक फोर्स बाहर की ओर काम करता है, एक फोर्स अंदर की ओर काम करता है। इसीलिए तुम लोग देखे होंगे कि जब कोई रोड में जब जाते हो रास्ता में, तो जहां टर्निंग होता है कहीं भी गाड़ी वगैरह जा रहे हो, जहां पर रास्ता टर्न कर रहा है वहां पर रास्ता थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में करेगा उस केस में उसको झुका के क्यों रखा जाता है, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि एक फोर्स होता है जो इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, दूसरा फोर्स बाहर की डायरेक्शन में काम करता है, तो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो रास्ता को थोड़ा सा स्लोपिंग रखा जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तुम समझ सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर टर्निंग में स्लोप डाला जाता है थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ, कारण वही है दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए। दोनों फोर्स अगर बैलेंस करेगा तभी वो सर्कुलर पाथ में घूम सकता है। कहीं भी टर्निंग होता है तो स्पीड को कम करके हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को झुकना पड़ता है ना,
तो ये सब रीजन होता है वो बैलेंस करने के लिए, ज्यादा डिप्थ में नहीं जाते हैं, उससे प्रमोट डाउन करके उसको सॉल्व करके क्वेश्चन में सेंड करोगे। एंड टुडेस क्लास इज ओवर। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज दैट द चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड। ओके।